इज एन हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल का क्या मतलब है? सबको लगता है कि मेरी लाइफ स्टाइल जो है, मेरी यानी आपकी, आपको लगता है कि मेरी, सबको लगता है कि मैं यानी आई यानी यू, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, आपकी लाइफ स्टाइल हेल्थ। कोई बोलता है नहीं मेरी तो बहुत गंदी लाइफ स्टाइल है, मेरे को बिल्कुल गंदी लाइफ स्टाइल जीता हूँ। हाँ बोलते हैं बीमार होने के बाद, बोलते हैं सर 2-3 महीने में बहुत बुरा खाया, अंड भसंड खाया, मेरी लाइफ स्टाइल बहुत गंदी थी, सो सॉरी प्लीज ठीक कर दो। व्हाट डू यू मीन बाय ठीक कर दो? जब तुमको पता था गंदी थी तो क्या कर रहे थे तुम? राइट, पीपल आर लाइक सर मैं बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाता। बाहर का खाना गंदा नहीं होता, वो भी कोई ना कोई बना रहा है। अच्छी जगह से खाओ, अच्छे से बना हुआ खाओ, जरूरी नहीं है बाहर का खाना गंदा होता है। ऐसे तो बेचारे शेफ कहीं ना कहीं बेचारे डूब मरेंगे कि हमारा खाना तो गंदा ही होता है, हम तो कोई काम के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो देयर आर पीपल हु बिलीव दैट दे आर हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कि मैं खाना तो घर पे ही खाता हूं ना सर, घर पे ही खाना खाता हूं, घर पे तो सब हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ इज हियर, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर नॉलेज। हेल्थ इज मिसअंडरस्टैंडिंग को ढूंढना, हेल्थ इज गैप ढूंढना, गलत क्या है उसको पॉइंट आउट करना इज हेल्दी। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म को हेल्दली यानी को विलिंगली एक्सेप्ट करना इज हेल्दी, कि हां किसी ने मुझे गलत बोला, किसी ने बोला कि तू गलत कर रहा है, नहीं मैं गलत कर ही नहीं सकता, ऐसे बोलना आपके लिए अनहेल्दी है। सोचना क्या गलत है, सही कैसे करूं इज हेल्दी। सो व्हाट इज हेल्दी लिविंग? गुड हेल्दी हैबिट क्या होती है? हाँ जी, बीमारी ठीक कर सकती है, लाइफ क्वालिटी इंप्रूव, लाइफ स्पैन इंप्रूव, कैसे? हाँ जी पता है, हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वेट कंट्रोल, स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है या फिर लिमिट करना है, और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है, बैलेंस डाइट लेनी है, दांतों का ख्याल रखना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, हेल्थी गुड हैबिट्स हाइजीन रखनी है। पर क्यों एक्सरसाइज क्यों करनी है? एक्सरसाइज करोगे तो क्या होएगा? ऑब्वियसली ठीक है, एक्सरसाइज का कोई प्रोग्राम रखना जरूरी है क्या? कोई जिम इंस्ट्रक्टर नहीं। एक्सरसाइज से क्या होता है? हार्ट के लिए जरूरी है, लंग्स के, जी हां, एक्सरसाइज से आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, आपके हार्ट को, आपके लंग को कंडीशनिंग मिलती है, आपकी मसल्स को टोनिंग मिलती है, आपकी वाइटैलिटी बढ़ती है, आपका डिप्रेशन कम होता है, आपकी नींद अच्छी होती है, फोकस अच्छा होता है। एक्सरसाइज इज वेरी गुड, वेरी गुड। स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। क्यों? स्मोकिंग तो सर एक से क्या होता है, एक से क्या होता है भाई साहब, आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में, यहां नहीं इंडिया में छोड़ो, दुनिया में 5 में से 1 डेथ में स्मोकिंग का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाथ होता है, दुनिया में, इधर तो छोड़ो। और सेकेंड हैंड स्मोकिंग लंग कैंसर का वन, और हार्ट डिजीज का, लंग कैंसर और हार्ट डिजीज जिस जिसको है उसमें कहीं ना कहीं सेकेंड हैंड स्मोक इन्वॉल्व है। याद रखो पॉल्यूशन तो है ही इंडिया के अंदर, पर सेकेंड हैंड स्मोक भी है। राइट, सो स्मोकिंग जय हो, कर रहे हो, एक भी आधी भी, वॉट एवर, एक भी आधी भी। और दारू, दारू का क्या? हाँ दारू सर मजा आता है सर, पीना पड़ता है, मेरी गलती नहीं है, मेरे में बहुत स्ट्रेस है, मैं नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। राइट, आपको ब्रेन फंक्शन, आपके इमोशन, आपकी थिंकिंग, आपकी जजमेंट को खत्म कर देता है दारू। राइट, जितना ज्यादा पियोगे उतना खत्म। राइट, और धीरे धीरे आपकी स्पीच स्लो हो जाती है, बोलना नहीं जमता, और रिएक्शन स्लो हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बैलेंस हो जाता, गिर जाते हो। राइट, और इससे होगा क्या? पीते रहोगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, किसी को जल्दी किसी को लेट। याद रखो हर एक में रिस्पॉन्स अलग होता है, लिवर और पैनक्रियाज, सिर्फ लिवर पैनक्रियाज ही खराब होंगे ना सर, मैं टेस्ट करा लूंगा हर साल, हर 6 महीने में। और कैंसर होगा उसका क्या? ठीक, कैंसर की डिजीज, ईसोफेगस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
का कैंसर होता है, हार्ट मसल डैमेज हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसका क्या? फीमेल अल्कोहल ले लेंगी तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, उसका क्या? होता है, सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते हो आप। और जो दवा लेते हो उसका क्या? सर मैं दवाई ले लूंगा ना, मैं मेडिकल स्टोर वाले को सब पता है, आपसे ज्यादा नॉलेज है उसको पूरा, मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका उसको दवाई नहीं पता, उसको बोलो मेरे को ये है वो दवाई दे देगा। सर्दी खांसी बुखार, लैट्रिन लग रही है, पेट में छाले है, गैस है, लिवर खराब है, टॉनिक है उसके पास, सब है। आयुर्वेदिक का डॉक्टर वो, होम्योपैथिक का डॉक्टर वो, एलोपैथिक का डॉक्टर वो, आप काहे बैठे हो यहां पे, है कि नहीं? दवाइयां उल्टी सीधी लेने से आपके क्या साइड इफेक्ट हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सब उसको पता है, आपको नहीं पता कुछ, ठीक है? क्यों? क्योंकि ड्रग्स उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंटल, ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना एक बड़ा कारण है जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। हेलो, आपको बोल रहा हूं, जो ये दवाई लेते हो मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब भी, जो दवाई देते हो, इट्स एन अनहेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, समझे? और डॉक्टर को भी चूज करना पड़ता है। जी हाँ, अनहेल्दी डॉक्टर्स होते हैं, हेल्दी डॉक्टर्स होते हैं, अपने डॉक्टर को समझो। अगर लगता है डॉक्टर को कुछ नहीं आता तो नहीं आता, जिस डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है दूसरे डॉक्टर पे जाओ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल में वो भी इंक्लूड होता है। दवाइयां, फिर स्ट्रेस, जी हाँ स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस तो बहुत जोरदार फैक्टर है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए लाइफ में। स्ट्रेस होता है तो आप मोटिवेटेड रहते हो, स्ट्रेस नहीं होगा कि भाई साल के आखिरी में एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है तो पढ़ोगे क्यों? स्ट्रेस चाहिए, थोड़ा स्ट्रेस चाहिए, हेल्प करता है परफॉर्म करने में, फोकस करने में। ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो प्रॉब्लम होती है, सोचने में, समझने में, सोने में, पेट खराब, मूड खराब, IBS, एंजाइटी, लोग काम नहीं कर पाते, सही से जी नहीं पाते हैं, लोगों की लाइफ स्पैन, लाइफ क्वालिटी कम होती है स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस अवॉइड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, बट हाउ यू हैंडल दैट स्ट्रेस इज अप टू यू, राइट? हाउ यू कंट्रोल योर लाइफ इज अप टू यू। स्ट्रेस जितना अच्छे से कंट्रोल, उतना ज्यादा आपकी लाइफ कम डैमेज कर पाएगा ये स्ट्रेस। पर चलो स्ट्रेस तो फिर भी है, क्या करोगे? योगा, दो सबसे बड़ी चीजें स्ट्रेस के खिलाफ क्या है? मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। जी हाँ, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और सबसे बड़ा हथियार डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, नाक खोल के रखना, बंद करना है, डजन डीप ब्रीदिंग, पहले वो तो करो बेसिक। फिर मोटापा, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है भैया, मजाक में मत लो, जिसका पेट नहीं वो हेल्दी नहीं, तुम तो बहुत पतले हो, ये है हेल्थी हेल्थ होने की, ना जी ना, थोड़ा बहुत चलो थोड़ा बहुत है आई हैंड, पर पेट बाहर निकल रहा है भैया, एक्सेस बॉडी फैट, ओवरलोड है आपके बोन्स पे, आपके हार्ट पे, आपके मसल्स पे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, वेरिकोज वेन्स हो सकता है, पैर में वेन्स सूजन हो सकती है, कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन, गॉल ब्लैडर की बीमारी का रिस्क बढ़ेगा, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। अभी तो कोलेस्ट्रॉल पे गई नहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस पे गई ही नहीं। तो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मोटे होगे, ज्यादा गलत खाओगे, खाओगे ज्यादा गलत तो मोटे होगे। डाइट, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट का मतलब नहीं है कि तराजू में रख रख के खा रहे हो तो बैलेंस होगी। नॉलेज, सैचुरेटेड फैट क्या है, ट्रांस फैट क्या है, सिंपल शुगर क्या है, शुगर सिंपल सी चीजें यार, लो नमक कम खाना है, सिंपल शुगर कम खाना है, दारू कम पीना है, ट्रांस फैट कम खाना है, सैचुरेटेड फैट कम खाना है, फाइबर ज्यादा खाना है, सब्जियां ज्यादा खानी है, फ्रूट ज्यादा खाना है, बीन्स खाने हैं, होल ग्रेन खाना है, नट्स खाने हैं, सीड्स खाने हैं, दूध पीना है, क्या खराबी, इतना कुछ है खाने को, है कि नहीं? फिर दांतों की केयर करनी पड़ेगी, टूथ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटल केयर नहीं रखते हैं तो चबाओगे कैसे, खाओगे कैसे, बच्चों से लेके बूढ़े तक, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, फ्लॉश एटलीस्ट वन, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करो, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओ, मीठा कम खाओ, राइट? और सॉफ्ट ब्रिशेस, जितनी हार्ड ब्रिशेस रहेगी उतना अच्छा नहीं है, राइट? ब्रिशेस बेंट हो गए तो टूथब्रश चेंज करो, डेंटिस्ट को जाके रेगुलर दिखाओ,
वेरी इंपॉर्टेंट है ये हर एक स्टेप, राइट? सो दीज आर द बेसिक्स, हेल्दी लाइफस्टाइल इसको बोलते। सुबह उठ के नींबू में निचोड़ के पानी पीता हूं सर, वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। नो, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका वजन कम नहीं है तो डजंट मैटर आपने पानी पिया कि नहीं पिया सुबह उठ के, एक चीज करने से सब हेल्दी नहीं हो जाता। अगेन, हेल्दी लाइफस्टाइल इज फाइंड व्हाट इज रॉन्ग, डोंट ऐड वन गुड थिंग। कचरा भरा हो घर में तो एक रूम फ्रेशनर लाके रख देने से काम नहीं होगा। सर मैं रूम फ्रेशनर के पास में बैठूंगा ना सर, तब तो स्मेल नहीं आएगी ना, पर कचरा तो वहीं पड़ा है ना, कचरा तो हटाओ। जो लाइफ में गलत कर रहे हो, जब तक उसको नहीं हटाओगे, एक अच्छी आदत डाल देने से कुछ नहीं होगा। फाइंड आउट व्हाट रॉन्ग यू आर डूइंग एंड वन बाय वन टेक इट आउट ऑफ योर लाइफ, और एल्स डोंट कॉल योर लाइफ हेल्दी, गो टू अ डॉक्टर। अंडरस्टूड? नाउ शेयर दिस वीडियो।